नमस्कार, आम्ही या ठिकाणी केदारनाथनाथ या 12 ज्योतिर्लिंगापैकी एका ज्योतिर्लिंगात आलेलो आहोत. या केदारनाथाचा महिमा काय आहे तो जाणून घेण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी या मंदिराचे मुख्य पुजारी, प्रधान पुजारी जे शिवलिंग स्वामी आहेत हे या ठिकाणी उपस्थित आहेत. यांना आम्ही विनंती केलेली आहे की तुम्ही या संपूर्ण केदारनाथाचा महिमा आम्हाला सांगावा. तर आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया या केदारनाथाचा महिमा. केदारनाथाचे मुख्य प्रधान पुजारी शिवलिंग स्वामी आपल्याला या केदारनाथाचा महिमा सांगतायत. पंचाननतनुद्भूतान पंचाक्षर मनुपमान पंचसूत्र कृतो वंदे पंचाचार्यान जगद्गुरु. अपना देश में 12 ज्योतिर्लिंग और शैव परंपरा की 5 पीठ है, रंभापुरी, उज्जैनी, केदार, श्रीशैल, काशी. ऐसी 5 पीठ में तीसरा पीठ मवत केदार वैराग्य पीठ बने, यही केदार पीठ है. ये केदार पीठ की ऐसी परंपरा है, एक गुरु शिष्य परंपरा है. और इस केदारनाथ की परंपरा में ऐसी परंपरा है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मे श्री गुरवे नमः. क्यों मने भगवान को तो साक्षात हम नहीं दिख पाते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में गुरु के रूप में ही हम इस भूलोक में भगवान के समान गुरु के ही मानते हैं. ऐसी परंपरा इस केदारपीठ में है. क्यों मने षड माह से पूजतो देवः षड माह से मानव स्थित षड माह से पूजतो देवः षड माह से मानव स्थिता. 6 मने हिमालय पे पूजा होती है, 6 मने केदारनाथ की पूजा. यहाँ स्वयं कपाट बंद होने के बाद स्वयं केदारनाथ की पूजा स्वयं देवी देवतों की पूजा करते हैं. जब कपाट खुलते हैं ऐसी परंपरा के अनुसार जो हिमवत केदार वैराग्य पीठ पंच केदार की पांचों केदारनाथ की गद्दी स्थान ऊखी मठ ओंकारेश्वर मंदिर दो है, वहाँ हमारा गुरु महाराज जी की रावल वर्तमान भीमा शंकर लिंग शिवाचार्य महास्वामी जी का गद्दी स्थान ऊखी मठ ओंकारेश्वर मंदिर में है. वहाँ गद्दी पे बैठकर जो सुवर्ण मुकुट 6 महीने के लिए केदारेश्वर के सिर पर विराजमान हो जाते हैं, वही सुवर्ण मुकुट 6 महीने के बाद जब कपाट बंद हो जाते हैं वही सुवर्ण मुकुट हमारा गुरु रावल भीमा शंकर लिंग शिवाचार्य महास्वामी जी के सिर करकमलों द्वारा जब लेकर फिर 6 महीने अपना गुरु के सिर के ऊपर विराजमान रहते हैं, यही सुवर्ण मुकुट. ऐसी परंपरा विश्व में एक ही जगह है, हम खाली मुंह से नहीं, ये प्रत्यक्ष प्रमाण इस केदारपीठ में आप देख सकते हैं सभी लोग. क्यों मने 6 महीने के लिए जब कपाट बंद हो जाते हैं केदारेश्वर जी की और जब खुलते अक्षय तृतीया के बाद जब 6 महीने जो हर दिन यहाँ स्वयं ज्योतिर्लिंग अलंकृत हो जाते हैं, शयन आरती के समय जो अलंकार करते हैं शाम को रुद्राभिषेक महाभिषेक होने के बाद अलंकृत हो जाते हैं शिवलिंग के ऊपर जो स्वर्ण मुकुट चढ़ाए जाते हैं, 4-5 घंटे हर दिन शिवलिंग के ऊपर अलंकृत में वहाँ विराजमान हो जाते हैं. ऐसी परंपरा ये केवल ये केदारपीठ में है. ऐसी परंपरा देखना हो तो यहाँ आकर भक्त लोग आकर आनंद ले सकते हैं. के मने स्वर्ग है, दार मने दरवाजा है, स्वर्ग की आनंद यहाँ केदारेश्वर की ज्योतिर्लिंग में आकर सभी दर्शन करके कृतार्थ कर आप जीवन कृतार्थ कर लीजिए. कंठे यस्य विराजते हि गरलम गंगा जलम मस्तके वामांगे गिरिराज राज तनया जाया भवानी स्थिता नंदी स्कंद गणादिनाथ सहित श्री केदारनाथ प्रभु केदारांचल संस्थितो सततम कुर्या सदा मंगलम कुर्या सदा मंगलम. द्वादश ज्योतिर्लिंग में केदारनाथ एक ज्योतिर्लिंग है, लेकिन उसी में केदार मने 5 केदार है. शिव जी को कहते हैं पंचमुख परमेश्वर कहते हैं, सद्यो जात वामदेव अघोर तत्पुरुष ईशान्य. जैसी 5 मुख है वैसे ही 5 तत्व भी है, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश. केदारनाथ ज्योतिर्लिंग तो ये सत्ययुग की है, विशाक्षात यहाँ इस हिमालय पे विष्णु भगवान ने नर और नारायण रूप में यहाँ तपश्चर्या करते हैं. वो तपश्चर्या के
साक्षात्कार होकर भोलेनाथ केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में यहाँ दर्शन देते हैं। ज्योति मने ही प्रकाश, लिंग मने ही लीयते गम्यते यत्र तलिंगम, जहां से शिवजी प्रकट हो जाते हैं ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में, वहीं लीन मने गुप्त हो जाते हैं, वही स्वयं वो ज्योतिर्लिंग केदारेश्वर जी है। ऐसे केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग में, ये तो सत्ययुग के है, यहाँ ऐसी परंपरा है, षड मासे पूजतो देवः, षड मासे मानव स्थिता, ये स्वयं छह महीने यहाँ भोलेनाथ की पूजा मानव द्वारा पूजा संपन्न होते हैं। और जब कपाट बंद हो जाते हैं दिवाली के भौबीज के दिन, उस दिन से जब अक्षय तृतीय तक लगभग कपाट मंदिर छह महीने के शीतकालीन के लिए बंद हो जाते हैं। जब बंद हो जाते हैं उसके बाद बंद करते समय यहाँ विशेष परंपरा यहाँ ऐसी है, एक ही परंपरा में केदारेश्वर की परंपरा ऐसी परंपरा है, वे स्वयं शिवजी को यहाँ समाधि देते हैं। सृष्टिकर्ता देवों की देव महादेव है, उन्हें तो सृष्टि चलाने वाले वही है, लेकिन खुद उनको ही यहाँ परंपरा ऐसी है, योग समाधि भस्म समाधि कर यहाँ अखंड ज्योति जलाकर कपाट मंत्रोच्चारण के साथ कपाट बंद हो जाते हैं छह महीने के लिए। छह महीने के बाद जब कपाट खुलते हैं, खुलने के बाद ऐसी महिमा है केदारेश्वर जी का, जो अखंड ज्योत जलाकर मंदिर बंद करते हैं और जैसी पूजा करते हैं उस दिन, जैसे कि वैसे छह महीने के बाद खुल गए तो भी अखंड ज्योति वैसे ही जलते रहते हैं, यही महिमा केदारेश्वर जी का है। क्यों मने ये स्वयं छह महीने देवी देवता लोग ही पूजा करते हैं, यही प्रमाण है अखंड ज्योति जलने का, ऐसी परंपरा और कहीं नहीं है। ऐसे ज्योतिर्लिंग में केदारेश्वर की परंपरा में ही यहाँ ऐसी अदृश्यमय अनंतमय वो शिव जी का जो अंतर्यामी का दीप प्रज्वल की शक्ति यहाँ केदारेश्वर में आप सभी भक्त लोग देख सकते हैं। और उसके बाद महाभारत युद्ध के बाद पंच पांडवों को ब्रह्म हत्या, गुरु हत्या, गोत्र हत्या का श्राप लगते हैं, श्राप विमोचन के लिए हिमालय पे आते हैं, लेकिन भोलेनाथ एक जगह पे दर्शन न देते हुए अलग अलग जगहों पे अलग अलग शक्ति स्वरूप से जो दर्शन दी है वही पंच केदार से कहलाते हैं। केदारम मध्यमम तुंगम तथा रुद्रालयम प्रियम कल्पकम च महादेवी सर्व पाप प्रणाशनम, जिन्होंने पांचों केदारनाथ की स्मरण पूजन चिंतन करते हैं सर्व पाप प्रणाश हो जाते। कैसे हैं इस जीवात्मा हर दिन कितना पाप करते हैं पता नहीं, जाने अनजान में, क्यों तो धर्म क्या है सब जानते हैं लेकिन कर नहीं पाते, अधर्म क्या है सब जानते हैं छोड़ नहीं पा सकते, ऐसे जीवात्मा हम लोग है। इसलिए जैसे भी कर्म करते हैं, जैसे भी जाने अनजान में कितना भी घोर पाप ना हो, इस पवित्र क्षेत्र में इस पुण्य क्षेत्र में आकर कैसे इस जीवात्मा अन्य क्षेत्र कृतम पापम केदार क्षेत्र विनिश्चते, केदार क्षेत्र कृतम पापम वज्रलेपु भविष्यते, अन्यत्र यो जीवात्मा जो भी पाप किया होगा लेकिन इस पवित्र क्षेत्र में इस पुण्य क्षेत्र में इस केदार क्षेत्र में आकर दर्शन स्पर्शनश्चैव कार्यम अंतर प्रहिक्रमात, इस स्थान पे आकर आपकी मस्तक नतमस्तक शरणागत होकर नमन कर ले तो सारे पापों से मुक्त हो जाते थे ये जीवात्मा। और ऐसे कहते हैं काशान मरणान मुक्ति, लेकिन केदारम दर्शनात मुक्ति, ये क्षण भी इस हिमालय पे आकर केदारनाथ की स्मरण दर्शन करने से सारे पापों से मुक्त होकर जीवन धन्य हो जाते हैं। वैसे ही पंच पांडवों ने बनारस काशी से उत्तर काशी, उत्तर काशी से गुप्त काशी आ देते भोलेनाथ, भोलेनाथ आगे और पंच पांडव पीछे, क्यों तो दर्शन के बिना उनको मुक्ति नहीं थे। इसलिए इस हिमालय पे आकर भोलेनाथ यहाँ पशु की रूप धारण कर लेते हैं, सारे पशुओं में पता चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है लेकिन दर्शन के बिना उनको मुक्ति नहीं थे। तब भीम भी बुद्धिशाली बलशाली थे, मेरु सुमेर पर्वत के ऊपर खड़े होकर सारे पशुओं को नीचे से भगा देते हैं, लेकिन सब भागते हैं लेकिन देवों के देव महादेव अलग रास्ते से जाने लगते हैं। तब पंच पांडवों को पता चल जाते वही स्वयं भोलेनाथ है, दर्शन कर लेना बोलकर पीछे जाकर पकड़ने जाते, तब तक भोलेनाथ की इच्छा नहीं होता होगा दर्शन के लिए, मुखभाग परिपूर्ण दर्शन नहीं देते इस हिमालय पे, मुखभाग जमीन में चिप जाते हैं भोलेनाथ की, तब जो चिपने के बाद जो शेष भाग बच जाते हैं वही पृष्ठ भाग वो लिंग में हो जाते हैं स्वयं महादेव, तब वो पृष्ठ भाग के ही स्वयं पंच पांडव ने घी लगा के जैसी भाव भक्ति से भोलेनाथ की सेवा करते हैं, यहाँ पृष्ठ भाग की दर्शन यहाँ हो गए हैं।
द्वितीय केदार भगवान मधुमेश्वर में नाभि किशोर मध्य भाग की मदनांतक भक्त वसल हमारे शरीर में जो गर्व रहते अहम पंड रहते सभी को नष्ट करने वाले द्वितीय केदार भगवान मधुमेश्वर जी है वहाँ नाभि की पूजा होती है, वहाँ नाभि की दर्शन दिए हैं। तृतीय तुंगनाथ में हृदय और भाव की पूजन होते हैं, वहाँ उसी के दर्शन दिए हैं। रुद्रनाथ में नेत्र मुखमंडल, कल्पेश्वर में जटा, ऐसी पांचों केदारनाथ में पांच शक्तियों से पांच अंग से जो दर्शन दिए वही पंच केदार से कहलाते हैं। जिन्होंने पांचों केदारनाथ दुर्गम स्थल में होने के कारण वहां जाके दर्शन भी नहीं कर पाते, पूजन भी नहीं कर पाते, कहीं भी बैठकर स्मरण कर लेते भी उनका दर्शन हो जाते हैं, और नहीं तो पंच केदार गद्दी स्थान, हिमवत केदार, वैराग्य पीठ, पांच पीठों में शैव परंपरा की में तीसरा पीठ जो हिमवत केदार वैराग्य पीठ है उस पीठ में ओमकारेश्वर मंदिर है। क्यों मने राजा महानदाता ने वहां तपश्चर्य की है, तब भोलेनाथ ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओमकाराय नमो नमः। साक्षात राजा महानदाता को जीवन में वैराग्य आकर राजपाट सब त्याग करके संचार करते 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 इस हिमालय पे ऊखी मठ ओमकारेश्वर मंदिर, ये जो अभी वर्तमान ओंकारेश्वर मंदिर जो है वो हिमवत केदार वैराग्य पीठ है, शिव परंपरा में एक पीठ है, उस पीठ में आकर वो तपस्या करते एक पैर पर खड़े होकर उसके बाद भोलेनाथ साक्षात्कार होकर ओंकार स्वरूप में दर्शन दिए, उसके मंदिर का नाम ही ओंकारेश्वर महादेव हो गए। और उसी क्षेत्र को उषा मठ भी कहते, उषा बाणासुर की पुत्री थे, श्री कृष्ण के पोते प्रद्युम्न के लड़के अनिरुद्ध के साथ वहां विवाह संपन्न हुआ, इसलिए गुरु दक्षिणा के रूप में उस समय में असंभव थे। क्यों बोलते हो, श्री कृष्ण के पोते देवता के वंश और ये राक्षस वंश, लेकिन परम शिव भक्त थे। उस समय में आनंद लिंग ज्ञान लिंग जगत गुरु जी उस पीठ में थे, उन्होंने वहां विवाह संपन्न करके दिए गुरु दक्षिणा के रूप में। उषा देव ने उस मठ को जीर्णोद्धार करके दिए, तब इस मवत केदार वैराग्य पीठ गुप्त नाम से गुप्त होकर उषा मठ से प्रसिद्ध हो गए। उस मठ उषा मठ से अभी वर्तमान ऊखा मठ हो गए, ऊखा मठ से वर्तमान ऊखी मठ हो गए। अभी गांव का नाम, इस मठ का नाम ही ऊखी मठ ओमकारेश्वर मंदिर है, मंदिर से सभी लोग वहां जानते हैं। जो मन को समाधान के लिए पांचों केदारनाथ के दर्शन के लिए भी वहां दुर्गम स्थल में होने के कारण वहां नहीं जा पाए, तो भी पंच केदार गद्दी स्थान ऊखी मठ, हिमवत केदार वैराग्य पीठ ऊखी मठ, ओमकारेश्वर मंदिर में जाकर पूजन दर्शन करने मात्र से आपको मन को शांति मिलते है, पांचों केदारनाथ के दर्शन की परिपूर्ण पुण्य फल की प्राप्त भी वहां कर सकते हैं।